एक पटका ना डॉक्टर साहब को भी दे रहा है, ये अपना थोड़ा हेयर स्टाइल ठीक होगा इनका, ऐसे पटक के मार इनको। चल चल, देखिए सोनी साहब कैसा आपने वायलेंट होस्ट रखा हुआ है, पटक के मारने से हेयर स्टाइल ठीक कर रहा है मेरा, बताओ। और बम्पर, तू सुबह से कहाँ थी, मरीजों के कपड़े कौन धोएगा? अरे वो मैं घर से निकली थी ना, मेरे सामने एक ऊंट आ गया। अच्छा। तो उसकी पीठ पे ऐसे धपा दप देके उसका कुंबड़ मैंने एकदम सीधा कर दिया सपाट। अब देखिए उसके छह लोग बैठ सकते हैं, वो भी बिना फिसले। और ये करते हुए एक हाथी ने मुझे देख लिया, पर मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं हाथी को ऐसा धपा दप धो के आ रही हूँ ना। तो क्या हो गया, अपने परिवार वालों से लड़ रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात? अगर हिम्मत है ना तो हाथी छोड़, मैं कहता हूँ लोमड़ी से लड़के दिखा। लोमड़ी एज एन एनिमल बहुत चलाक होती है। इज इट सो? तो आप ले आइए ना एक लोमड़ी। मेरी ग्रेटनेस कॉपी कर, मेरी नकल मत कर ये वाली। लाइए लोमड़ी को, लाइए आप मेरे सामने, लाइए लोमड़ी। चल बेटी तेरी बारी आ गई, बता बेटा बच्चा। अरे पापा मैं कहाँ से लोमड़ी लगती हूँ? तू लोमड़े की बेटी है तो लोमड़ी होएगी ना। चलो लड़ो लड़ो। कैसे बाप है आप अपनी बेटी को बम्पर के साथ कुश्ती लड़वाएंगे? मेरी हड्डी पसली टूट गई तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं जोड़ देगा। बेटे घर का डॉक्टर है और पैसे की कोई बात नहीं, तेरा पिग्गी बैंक का तोड़ के जितने दे दे बस। मैं आपकी असली बेटी हूँ, सगी बेटी। बेटा होने को कौन टाल सकता है? हो गया जो हो गया। तो मुझसे क्या कुश्ती लड़ोगी? हाँ क्या, अब मैं तो अब भी इनसे हारी हूँ। अगर तुम्हें ताकत है ना तो मेरे गुरु से लड़के दिखाओ, मेरे पापा से लड़के दिखाओ। अरे चढ़ाप, मैं एक आदमी हूँ, मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता है। एक मिनट, अगर ऐसा कोई टेंशन है मैं अंदर जाके लड़का बन के आ सकती हूँ। बम्पर अगर तुम्हें दम है तो पापा को पीट कर दिखाओ, अगर दम है तो घसीट के दिखाओ, और अगर दम है तो हड्डी पसली एक कर कर दिखाओ। मेरे पापा किसी छोरी से कम है के? आ जाइए डॉक्टर साहब, आ जाइए। मेरा कुछ घर पे खुला पड़ा है वो। आइए मेरी बात सुनो। अरे आइए ना। अरे पापा, पापा, पापा। कर ला, तेरा बाप रात को नाइटी पहनता है अंदर से। ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरा बाप। या फिर तेरी माँ, इसने मुझे लगाई हुई है। नहीं, इतने बड़े पहलवान अगर गुस्से में गर्म हो गए तो? तुझे क्या पता, मेरी अदाएं देखकर अगर ये धर्म ना हो जाए तो मेरा भी नाम बसंती नहीं। महावीर जी, महावीर जी, देश के लिए गोल्ड ले आते रहो, ये नहीं कि मेरे लिए कभी चांदी ले आओ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा गीता और बबीता फोगाट को। गीता बबीता, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी लाइफ पे जो फिल्म बनी है दंगल पाजी, बहुत सुपर डुपर हिट हो चुकी है, लोग उस फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हैं, और ये एक्चुअली दंगल की रियल हीरोज हैं, तो तालियां और तेज हो जाए। दुनिया में ना जी महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें होती जी, लेकिन उस इंस्पिरेशन के लिए अगर कोई जीता जागता बहुत तगड़ा उदाहरण है ना, तो वो गीता और बबीता है। और ये प्रमाणित हो चुका है कि बेटियां मां की झलक और पिता का स्वाभिमान होती हैं। ये सर्वदा सीता दुर्गा सावित्री सी महान होती हैं, अपनी वीरता से लहराती हैं विजय श्री का तिरंगा, है शक्ति की सच्ची मिसाल, बेटियां शाने हिंदुस्तान होती। क्या बात है। अच्छा, हमने तो फिल्म में देखा बाजी इनकी स्टोरी कि ये सुबह 5 बजे उठ जाती थी, ये सच्ची बात है? आप 5 बजे उठती थी? उठती नहीं, हम उठते भी हैं 3:30-4 बजे, 5 तो थोड़ा लेट। गांव में जो मुर्गा उसको भी आप ही उठाती जा ना, क्यों रे भाई तेरे बांग देने का टाइम हो गया, मुर्गा भी सोचता था गीता बबीता उठ गई तो 3:30 उठ जाती हैं आप। मेरा नाम संगीता फोगाट है, मैं सबसे छोटी हूँ चारों बहनों में से। और मेरा नाम ऋतु फोगाट,
मैं बबीता से छोटी। तो आप चार बहने हैं, तो चारों ही चारों रेसलिंग करती हैं आप? जी। अगर आप... बदला लेना है आपको। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सारे पहलवान हैं, आप क्या खाती हैं? मैं तो जी दूध दही खाया करूँ, घी और चूरमा और कभी कभी चिकन भी खा लेती हूँ। पर अच्छा, वो जो मैंने फिल्म में देखा उसमें दिखाया कि गीता बबीता की मम्मी को बड़ी प्रॉब्लम थी चिकन खाने से। वैसे मैं बताऊंगी कपिल जी, अभी तक चिकन नहीं खाते थे मेरे मम्मी, लेकिन शायद लगता हमें अभी पता चला कि जब से दंगल फिल्म देखी है उन्होंने भी खाना शुरू किया। तो बड़ी बात नहीं है, हमें एक साल बाद पता चले कि गीता बबीता की मम्मी भी पहलवानी में उतर आई है। अब हो गई चार बेटियां, एक की शादी कर दी, अब मैं भी आऊंगी खाने में। अच्छा, सरकार आजकल ये प्रचार तो कर रही है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, आपके मन में कैसे आया कि बेटी पीटेगी तभी आगे बढ़ेगी? पर वही है, देख लो कि जिन्होंने जो इतने भोले भाले लोग हैं, अपनी मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, फिर ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में बनती हैं। क्या दंगल बनी भी है। और आपने महावीर सिंह जी सोचा था कि कभी आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनेगी और आमिर खान उसको निभाएंगे और दंगल मंगल हो जाएगा? और प्रोड्यूसर का तो हो गया, मेहनत आप करते रहे, 400 करोड़ आमिर खान कमा गए। महावीर जी के एक दिन दिमाग में आया, रातों रात इनके गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। ये सच्ची बात है गोलगप्पे वाली? अकेले गोलगप्पे नहीं, मतलब कोई भी मिर्च मसाले की कोई भी चीज। अच्छा। पराठे हो चाहे अचार या फिर मतलब ऐसी कोई भी चीज पापा खाने ही नहीं देते थे। मुझे एक्चुअली अच्छा भी लग रहा है और ये भी लग रहा है कि नहीं यार, बहुत मेहनत की है बचपन से, तो हमने आपके लिए गोलगप्पे मंगवाए। आज दोनों बहनों का कंपटीशन होता है ज्यादा कौन खाएगी। मंगवाया जाए जरा पानीपुरी वाला। पानीपुरी वाले को बोलो ठेले समेत आ जाए। इधर से जाते हैं, पकड़ ना ले, पता नहीं पहलवान आदमी का। महावीर जी खा लें आधा आधा। आधा, अच्छा गोलगप्पा तो आधा खा ही नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा हो जाए फिर। अभी खा रहे हैं, घर पे जाके बताएंगे। चलो चार गोलगप्पे खा के दो थप्पड़ खा भी लिए, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा। भाई ये हमारे देश की, चलो गोलगप्पे बनाओ। लो जी गोलगप्पे खाओ, एंजॉय करो। पापा पीछे की तरफ देख रहे हैं अभी भी। नहीं नहीं, ये नकली वाले हैं, ये खाली टीवी वाले हैं। मैं भी लेता हूँ, थैंक यू। अब कपिल जी कितने टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी हैं। मैं तो उसको दे रहा हूँ, खा के ना इधर अपने पापा को देख रही है। ये तो तीखा बिल्कुल नहीं है। अब तो कहने लायक छोड़ा ही नहीं। और स्वीट वाले सॉस बता दे। क्या बोला, क्या बोला, क्या कह रहे हैं? क्या कहते, मत खाओ? नहीं खा ले, कोई बात नहीं, घर जाके देखूंगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates